ये बारिश होगी, ये तूफान आएगा, ये होगा, भाई ये सब अल्लाह के हाथ में है। दुनिया को क्या काय के लिए परेशान करके रख, ये होएगा ये होएगा, लेकिन का ना बारिश हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस यही बारिश सारी रात चल रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी और तो कुछ भी नहीं रहा सब। कराची में तूफान आ रहा है, हवाओं के झक्कर चलेंगे, खतरनाक बारिश होगी। जिस तरह 2007 में कराची में शदीद बारिशों के बाद अमवात हुई थी, इस बार भी अमवात का खतरा है। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये महकमा मौसमियात की जानिब से 3-4 रोज़ मुसलसल कराची वालों को बताया गया कि गुलाब जो है वो एक साइक्लोन आ रहा है, उसके बाद फिर एक और तूफान आएगा जिसका नाम शाहीन बताया गया, उसके बाद फिर ये ख़तरनाक पेशगोई के बाद हुकूमती मशीनरी मुतहरक हुई। इससे पहले कि वो हुकूमती मशीनरी की मैं आपको सारी डिटेल बताऊं, पहले सरफराज साहब जो कि महकमा मौसमियात के हैं, खबरों के हवाले से बड़े इन रहते हैं, उनकी ये सारी बातें सुने जिसमें वो डरा रहे हैं कराची वालों को, बता रहे हैं कि कितना ख़तरनाक जो है वो तूफान आ रहा है। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि सूरत हाल बनी क्या। और खदशा ये है कि आज का जो महकमे मौसमियात के इस ऐलान के बाद कराची में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तमाम इदारों में छुट्टी दे दी गई, सरकारी दफातर प्राइवेट दफातर बच्चों के इम्तहानात तक ख़त्म कर दिए गए, मुलतवी कर दिए गए, प्राइवेट इंडस्ट्री बंद कर दी गई, हत्ता के जो मार्केटें हैं तजारती मराकज़ वो मुकम्मल तौर पर इस जो तूफ़ान के पेश नज़र, तूफ़ान के खदशे के पेश नज़र बंद कर दिए गए, हत्ता के आवाम जो है घरों में महसूर होकर रह गए। और उसके बाद छुट्टी का जो है वो समा पैदा हो गया, जिसमें बताया गया था कि सुबह जब घर से हम निकलेंगे तो शायद सड़कों पर एक समंदर जैसा समा होगा, दरियाओं जैसा मंजर होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। और उसके बाद फिर अब बताया जा रहा है इस वक्त तक के जो तूफ़ान गुलाब तो पहले टल गया था, उसके बाद फिर शाहीन जो कि कतर ने तजवीज़ किया था उसका रुख भी तब्दील हो गया है, लेकिन जब छुट्टी दे दी गई उसके बाद फिर रात में हम देख रहे थे कि मशीनरी एक्टिव नज़र आई, और उसके बाद फिर तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे और लोग कारोबार में नहीं गए, काम काज पर नहीं गए, लोगों को शदीद इस तूफ़ान के जो पेशगोई की गई थी उस हवाले से काफ़ी एक आताब से एक अजियत से गुजरना पड़ा। लेकिन जो बारिश हुई वो जिस तरह पिछले 1-1.5 हफ्ता पहले जिस तरह हुई थी उससे भी कहीं गुना ज़्यादा कम हुई, हवा जो पहले गर्म थी अब कुछ ठंडी हो चुकी है, लेकिन बारिश जो है वो हल्की फुल्की मामूल से इंतहाई कम रात गए बल्कि इस वक्त तक भी जारी है, लेकिन जो तूफ़ान का जो खदशा पैदा किया गया था और ख़तरनाक पेशगोई की गई थी वो टल गया है। अब इस एक आलमी छुट्टी हम कहेंगे जिस तरह कराची में छुट्टी हुई, छुट्टी के पेश नज़र लोगों को कितना नुकसान हुआ इस गलत पेशगोई की वजह से, इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, शहरों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कराची में जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, अरबों रुपए का कारोबार होता है, इस छुट्टी की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा। हम कोशिश करते हैं कि शहरों से बात करें और उसके बाद फिर आपको बताएँ कि महकमा मौसमियात ने किस हद तक जो है वो उनका एक सिस्टम नाकारा हो चुका है कि वो हमेशा की तरह उनकी बातें जो है वो गलत साबित होती हैं, असल वजह क्या है वो आपके सामने रख रहे हैं। इन्होंने तो आवाम को परेशान करने का जो ना हम लोग को सोच, आवाम किसी तरह भी जो ना परेशान होते रहे, पहले वो 3 दिन थे ये बारिश होगी, ये तूफान आएगा, ये बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बारिश सारी रात चल रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी और तो कुछ भी नहीं रहा सब कुछ, ये तो अमन रहा। ये भाई आप ये बताएगा कि जिस तरह महकमा मौसमियात ने बड़ा दावा किया था, बल्कि 4-5 दिन से तो डरा ही रहे थे कि आप आज खासतौर पर बारिश होगी और इतनी तेज़ बारिश होगी कि शायद आप घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, घरों में पानी चला जाएगा, तो आप जब उठे तो सुबह क्या देखा फिर आपने? भाई इन्होंने तो आवाम को परेशान करने का जो ना हम लोग को सोच लिया है, आवाम किसी तरह भी जो ना परेशान होते रहे, पहले कोरोना में इन्होंने परेशान कर दिया और 2-3 दिन से ये बारिश होगी, ये तूफान आएगा, ये होगा, भाई ये सब अल्लाह के हाथ में, दुनिया को क्या काय के लिए परेशान करके रखा हुआ है, कारोबार की छुट्टी दे दी, कारोबार का सत्यानाश कर दिया, कोई बारिश नहीं हुई, अल्लाह के तवक्कल से देते हालात चल रहे हैं, वैसे चलते हुए आ रहे हैं, कश्तियाँ चलेंगी और ये चलेगी वो चलेगी, नाले की सफाई होगी, तुम्हारे सामने सब देखो गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है, रख जो आता है दोबारा लुटेरा ही आता है, इसके अलावा कोई नहीं आता, आवाम को परेशान करने वाले 10 लोग हैं भाई, गरीब आदमी का कोई नहीं है, गरीब आदमी को कोई सहूलत नहीं है, आंधी तूफान आ भी आता तो गरीब आदमी का कौन ख्याल करता है, यहाँ पर कोई ख्याल करने वाला नहीं है, मीडिया अच्छा उछाले आ रही है। ये मैं एक सवाल करूँगा आपसे, जिस तरह कराची में बारिश होती है इस तरह मुल्क भर में दुनिया भर में होती है, तो बारिश से पहले जो पेशगी हुई होती है अक्सर कि तूफान आने वाला बारिश आने वाली है, अगर इतनी सी बात को इतना बढ़ाकर जो पेश किया जाता है ये सिर्फ कराची में किया जाता है, तो ऐसा क्या है, ऐसा कराची में क्या है? कराची में मुसलमानों को उनको पता है ना, सबकी
गलियों से लेकर वो तक खाना ही खाना है, वो जगह पे सिस्टम है नहीं। कराची में लुटेरे सब यहीं पर, इनको पता है सब मिल जाएगा। थोड़ा सा नाला खोलना है, चलो भाई फंड आ गया, उनकी जेब में चला गया। गरीब आवाम चढ़ रहा यूँ करके, कचरा पड़ा हुआ है बस, गरीब आवाम को चढ़ने के लिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई इसके अलावा। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे इस नाले खोलने के नाम पर जो खुला ही पड़ा रह जाता है, बाद में बंद भी नहीं करते। अब खसूसी बारिश के ये फंड्स होंगे, ये फंड्स होंगे वो अलग से फंड जारी होंगे। जैसे पीछे ये देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, इसके से ऊपर से ढक्कन उतारा, इससे ऊपर से जो स्लैब सी वो हटाई तो वह हटी पड़ी हुई हैं। अब इसको बंद करने के लिए अलग से फंड जारी होंगे। कल बारिश का आपने सुना होगा, हुकूमत कह रही थी महकमे मौसमियात वाले भी कि बारिश होगी और तूफानी बारिश होगी, तो आप घर से निकले क्या महसूस किया कि आज काम काज पे गए थे कहीं आप? नहीं यार, तो गए नहीं थे, बस हम तो लोग इधर ही रुके हुए थे। को तो बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस यही बारिश सारी रात चल रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी और तो कुछ भी नहीं था। सब कुछ ये तो अमन रहा हुआ था यहाँ पे, बस यही है परेशानी लोगों के लिए। कभी कभी ये नाला बनता नहीं है, पानी उबल जाता है, पानी निकलता। उस दिन भी बारिश हुई थी तो पूरा ये दोनों तरफ का नालियों का पानी निकल रहा था, नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। बस ये हुकूमत वाली अच्छी बात है, ये हुकूमत वाले सोचे कुछ यार, गरीबों का कुछ ख्याल करे। बारिश की वजह से हमारी रोज़ियाँ भी बंद हो जाती हैं, फिर हम खुद काम करते हैं, वेटर लगे हुए शादी हालों में काम करते हैं हम, 400 रुपये झाड़ी लेने वाले बंदे हम काम करते हैं, वही बस कभी कभी तो पानी लगा हुआ है, कोई बंदे आते नहीं है, परेशानियाँ लगी होती है। अभी भी ये नाला टूटा हुआ है, इस पर भी कोई सोच रहा नहीं है, इसको भी मना 4-5 महीने हो गए हैं। एक दिन भी गाड़ी पूरी कल्टी हो गई थी यहाँ पे, कार पूरी, बहुत बंदों ने जोर लगाया तो फिर वो गाड़ी निकली थी, उसमें भी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। बंदा अभी ये कुछ लग जाए तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी उसके लिए। ये जिस तरह बारिश का ऐलान हुआ उसके बाद हमने देखा कि जिनका काम था KMC का, DMC का, वाटर बोर्ड का और दीगर जो मातहत सिंध हुकूमत के अमला है वो कम, बल्कि पुलिस जो है वो कश्तियाँ लेकर नांगन चुरंगी पहुँच गई थी। आपने देखा, हालांकि पुलिस का काम अमन अमान का है, डकैतियाँ नहीं कंट्रोल कर रहे, लेकिन वो बारिश जब होती तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाहर आए थे। तो आज नुकसान कितना हुआ, आपका कारोबार है क्या नुकसान हुआ, जिस तरह ये हाइप क्रिएट हुई थी शायद किसी और शहर में, किसी और मुल्क में ना होती हो जब बारिश के नाम पर जो होता है? यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नुकसान तो बहुत हुआ यार। बारिश का बोला था कि नहीं ये सब बारिश आएगा, ये होएगा ये होएगा, लेकिन टकेगा ना बारिश हुआ ना कुछ हुआ, बस यही सी बस 2 मिनट 10-30 सेकेंड का बारिश होता है, बस नॉर्मल बारिश होती है इसी तरह की रोटिंग का ना नॉर्मल बारिश होता है। और रह गया इस तरह भाई ने जो बोला, इस तरह ये खंडे वगैरह जो है ना रोड पर खड़ा है, रोड तो फिर भी काम चल रहा है अल्लाह का शुक्र है। और ये खड्डा में, एक खड्डा जो है ना, इस खड्डे में 3 बार पूरा गाड़ी गिर गया है। तो हमारे दोस्त लोग जो है ना वो पूरा बाइकों के लोगों को इस जगह का नाम दोबारा दिखाएंगे, ऐसे में लोगों को पता नहीं है। यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं एकदम यू टर्न लेते हैं जब वो अंदर चले जाते होंगे, उनको पता नहीं, या तो ऊपर से रुकावट रख दी जाए। अब यही मुसीबत है कि बड़ी मशीनरी जो है बड़ी एक्टिव रखते हैं, सुबह ही हुकूमत बड़ा दावा करती है कि पूरी मशीनरी वाटर बोर्ड रोड पर है, लेकिन देखते हैं तो जहाँ नाला खोदना होता है खोद के चले जाते हैं, गटर और सेवरेज के ढक्कन जो है खुले पड़े हैं उसको कोई नहीं देखता। लेकिन ट्वीट सामने ज़रूर आया था कि हमारे मेहनतकश जफाकश जो है वो रात को 2:30-2 बजे कचरा जो है वो नाले के अंदर से निकाल रहे हैं। भाई जब गटर खुला पड़ा रहेगा इसी तरह तो मिट्टी के अंदर उसके अंदर जाएगी, कचरा अंदर उसके अंदर जाएगा, पत्थर जाएंगे, ब्लॉक्स अंदर जाएंगे, तो ये तबाही तो होगी। बारिश की पेशगोई हुई थी कि पहले भी आप देखते हैं सर महकमा मौसमियात कहता है तो वो बारिश सही मानों में होती नहीं है कराची में? सर बारिश बिल्कुल हुई है, मगर जैसे इंतजाम देखने में आते हैं वो इंतजाम नहीं है। मैं महमूदाबाद शारा फैसल से नॉर्थ नाजाबाद अपनी जॉब के लिए आता हूँ, मगर मैं वहाँ से जो भी यहाँ देखते हुए आता हूँ वो अनबिलीवेबल है, नाकाबिले यकीन है। मेरी आंखें वो देखने को एक्सेप्ट नहीं करती है, कचरा वहीं है, सफाई वहीं है, मगर रोड पे पानी एज इट इज़ वैसे ही खड़ा है। आज की पेशेंट कोई आपकी जो थी बल्कि हार्ड रेन की, मगर वो नहीं हुई है, मगर सफाई रोड पे भी नजर नहीं आती है। दावे किस तरह किए जाते हैं टीवी? दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं लोगों के, बहुत बड़े दावे हैं, मगर मैं उसको अनएक्सपेक्टली करार देता हूँ, नो एंड नेवर, नहीं हुआ है और ना कभी होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ ही नहीं कह सकता हूँ सर। दैट्स इट। लोगों में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इसी तरह परेशानी है, क्योंकि एक तरह मौसम का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, इसके अलावा हमें यकीन है कि कोई भी नहीं जानता कब किस वक्त क्या हो सकता है। अमूमी तौर पर जिस तरह लोगों का गम गुस्सा देखा, कारोबार ख़राब हो गया, अरबों रुपये का नुकसान हुआ, उसके बाद फिर ये आज पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि महकमा मौसमियात का जो ये मौसम का हाल बताने वाला जो सिस्टम है वो इतना नाकारा है कि वो बताने से ही कासर है कि कब और किस वक्त बारिश होगी, कब और किस वक्त जो गर्मी होगी, सर्दी होगी। लेकिन जब कराची के और साहली पट्टी के से बारिश और महकमा मौसमियात इस हवाले से जब अपडेट देता है तो वो इंतहाई खतरनाक करार देता है। अब ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ एक तरह ये रोड क्रॉस करके कि मुर्साह वहाब साहब जो है अक्सर ट्वीट करते हैं कि हमारे जो मेहनत जफाकश वाटर बोर्ड का और जो KMC DMC का जो अमला है वो सड़कों पर जो है मौजूद है और काम कर रहा है। तो भाई मुर्साह वहाब साहब जब
आपके गटर के ढक्कन सेवरेज का जो निज़ाम है वो जब इस तरह खुला रहेगा, ये देखें ये नाले साफ़ नहीं हुए। अब ये जब एक तो गाड़ियाँ रोज़ यहाँ गिरती हैं, रोज़ यहाँ पर हादसात होते हैं, और जब ये इस तरह खुला पड़ा रहेगा तो फिर हवा से मिट्टी भी जाएगी, कचरा भी जाएगा, बोतलें भी जाएंगी, गंदगी भी इसके अंदर जाएगी, ब्लॉक और पत्थर भी इसी के अंदर जाएंगे। सिर्फ ये एक रोड की सूरत हाल नहीं है, इसी तरह छोटे बड़े जो नाले हैं उनकी जो सूरत हाल यही है कि ऊपर से सफाई के नाम पर खोल तो दिया जाता है, उसके बाद फिर इनको बंद नहीं किया जाता है। ये कौन करेगा आके? क्या इसके लिए अलग से अलहदा से आपको फंड चाहिए? हमें कहते हैं, खुद भी बात इतनी शर्म आती है, बड़ा दुख होता है। हम अपने जो हुकूमती अहदेदार हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनके बारे में बात करते हुए बड़ा दुख होता है कि हमें इस तरह की हार्ड और इस तरह सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब उनकी कारकर्दगी इस तरह गटर और गंदे पानी में बह रही होगी तो फिर बात तो बनती है, आवाम की बात फिर आप तक कौन पहुँचाएगा? तो हम वो कोशिश करते हैं कि जो आवाम जिस तरह तकलीफ़ में, आज छुट्टी दे दी गई, हालांकि बारिशें इससे ज़्यादा ख़तरनाक बारिशें इस्लामाबाद में होती हैं, लाहौर में होती हैं, कोरोना के नाम पर भी इसी तरह पाबंदियां लगाई जाती रहीं, और उसके बाद फिर आज जो बच्चे तैयारी कर रहे थे कोरोना की वजह से, पहले स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, वो पेपर जो है मुलतवी कर दिए गए, और ये सारी आवाम की आपने बात भी सुनी, तो फिर सवाल भी बनेगा, दुख भी होगा, अफसोस भी होगा, और फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में लाए बगैर हुकूमत से बात करेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे अपने हक़ के लिए, लेकिन दावे आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं तो मीडिया से, अपने मीडिया के दोस्तों से इल्तिजा करूँगा कि ऐसे झूठे दावे करने वाले एंकर जो सियासी रहनुमा सियासी नुमाइंदे हैं उनकी आवाज़ जो है वो टीवी तक ना पहुँचाया करें, आवाम तक ना पहुँचाया करें, क्योंकि यही दावे करते करते हमें 13 साल हो गए उनकी बात सुनते सुनते, लेकिन हालत सारी यही आपके सामने। ये जो मेन रोड है, ये 5 स्टार चौंगी से लंडीकोतल आने वाला रोड है, ये पूरे नाले की यही सूरत हाल है। इस नाले के अंदर जब पानी नहीं जाएगा तो आगे बड़े नालों में नहीं जाएगा, जब बड़े नालों में पानी नहीं जाएगा तो फिर यही आबादियाँ जो है सारी वो डूब जाती हैं, फिर नुकसान आवाम का होता है, हुकूमत सिर्फ दावे करती रह जाती है।